एनएसएस शिविर के दौरान हरिपुर धार कॉलेज के सौंदर्यकरण का काम कर रहे हैं छात्र छात्राएं। 7 दिवसीय कैंप में भाग ले रहे हैं 50 वॉलंटियर्स। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर धार में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान स्थानीय छात्र छात्राएं कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन अथवा सौंदर्यकरण के काम में लगे हैं। शुक्रवार को छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज के मैदान से कंकड़ पत्थर हटाए जाने के अलावा क्यारियों की मुरम्मत का काम किया गया तथा यहां पहले से मौजूद फूलों तथा सजावटी पौधों की निराई गुड़ाई की गई। 7 दिन तक चलने वाले इस शिविर का शुभारंभ बुधवार को स्थानीय प्राचार्य प्रोफेसर रवि शर्मा द्वारा किया गया था। पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई वित्तीय शक्तियों तथा विभिन्न विकास कार्यों संबंधी ट्रेनिंग। तीसरे दिन PI AO इंडस्ट्री तथा जेई रहे मूल स्रोत व्यक्ति। समिति सभागार संगड़ाहा में तीसरे दिन पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय शक्तियों, निर्माण कार्यों तथा उद्योग विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई। पंचायत निरीक्षक संगड़ा पन्नालाल चौहान द्वारा मौजूद 11 पंचायतों के प्रतिनिधियों को पंचायत की वित्तीय शक्तियों तथा विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधी जानकारी आज दी गई। उद्योग विभाग के AO ब्रिजराज द्वारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट संबंधी विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी गई, जबकि कनिष्ठ अभियंता शमशेर सिंह द्वारा पंचायतों में जारी निर्माण कार्यों संबंधी तकनीकी जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी संगड़ा सुभाष चंद अत्री ने बताया कि संगड़ा ब्लॉक की कुल 44 में से 11 पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए यह दूसरे चरण का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। संगड़ाहा में महिलाओं को दी गई रोडो जूस, जैम व चटनी बनाने संबंधी ट्रेनिंग। विकास खंड के कुल 30 स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे रोडो प्रोडक्ट्स। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज संगड़ाहा में क्षेत्र के दर्जन भर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोडो प्रोडक्ट्स तैयार करने संबंधी ट्रेनिंग दी गई। फ्रूट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट धौलाकुआ के लैब टेक्नीशियन जसपाल सिंह द्वारा मौजूद महिलाओं को रोडो प्रोडक्ट्स अथवा जूस, जैम तथा चटनी बनाने संबंधित तकनीकी जानकारियां दी गई। गौरतलब है कि विकास खंड संगड़ा की 3 दर्जन के करीब पंचायतों में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में बुरास अथवा रोडोडेंड्रोन के जंगल होने के बावजूद यहां औषधीय गुणों वाले बुरास अथवा रोडोडेंड्रोन के फूलों को अब तक सरकारी स्तर पर आजीविका से जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार से यहां बुरास तथा अन्य फलों व फूलों पर आधारित छोटा उद्योग लगाने की अपील की है।